दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीजी कोर्सेज का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। सेशन 2023-24 के लिए पीजी कोर्सेज का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। काफी सारे अलग अलग कोर्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अलग अलग कोर्स का जो काउंसलिंग डेट है वो अलग अलग डेट पे दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीट डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्स का अभी तक काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है, मेरिट और वेटिंग लिस्ट में किस बच्चों का नाम दिया गया है, बाकी बच्चों का जो नाम नहीं है मेरिट या वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों का क्या दोबारा लिस्ट जारी होगा, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये सारी चीज के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेनली आज हम पीजी कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ, तो आपको जो भी यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हम हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको यहाँ पे एक एडमिशन का सेक्शन दिखेगा, इसमें आप व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कोर्स का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। काफी सारे कोर्स का जारी किया गया है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एमए इकोनॉमिक्स का है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ऐसे ही एमए बायोटेक, एमए सोशियोलॉजी, एमए बोटनी और एमएससी जूलॉजी का भी जारी कर दिया गया है। एमएससी जूलॉजी के बाद हम बात आपको कर लेते हैं, ये एमएससी जूलॉजी का था। उसके बाद से एमए एजुकेशन प्रोग्राम है, एमएससी केमिस्ट्री है, एमए गांधीयन एंड पीस स्टडीज का भी जारी कर दिया गया है, एमएससी फिजिक्स का भी हो गया है, एमए इंग्लिश का भी जारी हो गया है नोटिफिकेशन काउंसलिंग के लिए, एमएसडब्ल्यू का भी जारी हो गया है। और उसके बाद से आपका जो मीडिया डिपार्टमेंट का कोर्स है पीजी का, मास कॉम का, उसका भी हो गया है, एमए संस्कृत का भी जारी हो गया है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, बैचलर और मास्टर जो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है ये दोनों का जारी हो गया है। इसके अलावा आपका एमएससी मैथ का हो गया है, एमटेक का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसके बाद से आपका एमबीए कोर्स का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, एमकॉम का भी जारी है और एमए हिंदी कोर्स का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो सभी कोर्सेज का आप डेट यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा पीडीएफ तो आप यहाँ पे डेट आपको देखने को मिलेगा, 23 अगस्त का डेट है। सबसे पहले हम सभी कोर्सेज का डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फी डिटेल्स के बारे में और कहाँ पे आपका ये काउंसलिंग होगा। तो एमए हिंदी का जो काउंसलिंग है वो आपका 23 अगस्त को होगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी गांधी भवन महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनकट, यानी कि ये जो एनएच में इसका जो कैंपस है अभी उसी में आपका काउंसलिंग होगा। वहां पर जाना काफी आसान है, आप बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से काफी इजिली आप बनकट में जा सकते हैं। डेट आपका 23 अगस्त है और आपका फी जो लगेगा 9,218 रुपया लगेगा, ये फी आपको काउंसलिंग के दिन ही जमा करना होगा। तो आप ये पैसा लेकर ही काउंसलिंग में आए। डॉक्यूमेंट्स और बाकी प्रोसेस के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले सभी कोर्सेज का डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एमए हिंदी का था, इसी के अनुसार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एमए इकोनॉमिक्स के लिए ये काउंसलिंग का डेट है। ये आपका जो डेट है ये 16 अगस्त यानी कि आज ही के डेट में ये था, मेरे हमको वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा मैं बिजी था, तो ये आज ही के डेट में आपका ये एमए इकोनॉमिक्स का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन था, ये भी आपका बनकट वाले कैंपस में है। अब हम बात कर लेते हैं आपका एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का, तो ये आपका 24 अगस्त को है और ये आपका चाणक्य परिसर मोतिहारी यानी जिला स्कूल वाले कैंपस में होगा। यहाँ पर भी आप ऑटो मतलब बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से काफी इजिली आ सकते हैं और इसमें जो आपको फी पे करना है 13,218 रुपया पे करना है, जो कि आपको काउंसलिंग के दिन जमा करना होगा। तो आप ये पैसा लेकर आए काउंसलिंग में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एमए इन सोशियोलॉजी का, तो एमए सोशियोलॉजी का जो डेट है वो है आपका 17 अगस्त यानी कि कल के डेट में है और ये आपका गांधी भवन बनकट में होगा। यहाँ पर आप इजिली पहुंच सकते हैं बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से और आपको जो इसमें फी लगेगा 9,218 रुपया लेकर आना है काउंसलिंग के दिन। इसमें आपका एक सेमेस्टर का फी भी होगा और आपका एडमिशन फी भी इसमें इंक्लूड होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएससी बोटनी का जो डेट है वो 23 अगस्त है, फी आपका 13,218 रुपया लगेगा, इसमें एक सेमेस्टर का फी भी होगा और एडमिशन फी भी होगा। आपका जो कैंप मतलब वेन्यू है वो आपका जिला स्कूल वाला कैंपस में होगा, चाणक्य परिसर में होगा। अब हम नेक्स्ट कोर्स का बात करते हैं, ये है आपका एमएससी जूलॉजी का जो कि आपका 24 अगस्त को होने वाला है, ये भी आपका जिला स्कूल वाले कैंपस में होगा, 13,218 रुपया इसका भी लगेगा आपका काउंसलिंग के दिन, इसमें एक सेमेस्टर का फी होगा और आपका मतलब एडमिशन फी भी इंक्लूड होगा इसी में। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज का, जो आपका एमए इन एजुकेशन का जो प्रोग्राम है ये आपका 22 अगस्त को इसका डेट दिया गया है और इसमें आपका 9,218 रुपया काउंसलिंग के दिन लगेगा और ये आपका जो है बनकट वाले कैंपस में होगा, बुद्धा परिसर बनकट में होगा। तो आप यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं इजिली बस या मतलब ऑटो
कहीं से पकड़े बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन से इजिली आप आ सकते हैं। इसके अलावा एमएससी केमिस्ट्री का जो काउंसिलिंग है 23 अगस्त को है, और इसके बाद से आप ये जिला स्कूल वाले कैंपस में होगा इसका काउंसिलिंग, और आपका 23 अगस्त है, और 10,718 रुपये आपको लेकर आना है, ये आपको काउंसिलिंग के दिन ही जमा करना होगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एमए गांधीयन एनपी से स्टडीज का, तो ये आपका 16 और 17 अगस्त दो दिन आपका काउंसिलिंग रखा गया है, ठीक है। और इसके बाद से आपका ये गांधी मतलब ये आपका बनकट वाला कैंपस में है, तो आप ये बनकट वाले कैंपस यानी कि जो मतलब एनएच में है वहां पे आप विजिट करें। इसमें भी आपका 9,218 रुपया लगेगा, आप ये 9,218 रुपया काउंसिलिंग के दिन लेते हैं, और आपका इसी में एडमिशन फी और काउंसिलिंग फी सब चीज एक सेमेस्टर का फी भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमएससी फिजिक्स का, ये आपका डेट है 24 अगस्त, 10,718 रुपया आपको उस दिन जमा करना होगा। इसमें एक सेमेस्टर का फी होगा और आपका एडमिशन फी भी होगा, और आपका जो वेन्यू है ये जिला स्कूल वाले कैंपस में इसका काउंसलिंग रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश कोर्सेज का, एमए इन इंग्लिश, ये जो आपका है 21 अगस्त को इसका रखा गया है डेट, और ये आपका जो है गांधी भवन में रखा गया है बनकट वाले कैंपस में इसका वेन्यू है। फी आपका 9,218 रुपये लगेगा, इसमें एक सेमेस्टर का फी भी है और आपका एडमिशन फी भी इसी में इंक्लूड है। हम नेक्स्ट बात करते हैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू का, ये कोर्स है, ये आपका डेट 22 अगस्त को रखा गया है, और ये जो है आपका वेन्यू बनकट वाले कैंपस में है, और आपका यहाँ पे 17,518 रुपया लगेगा, यानी कि इसमें एक सेमेस्टर का फी भी होगा और आपका एडमिशन फी भी इंक्लूड होगा। हॉस्टल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब आपका हॉस्टल अलॉट होगा, काउंसलिंग के बाद एडमिशन के बाद आपका हॉस्टल अलॉट होता है। अब हम बात कर लेते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, इसका डेट आपका रखा गया है 21 अगस्त को, ये आपका चनवारी वाले कैंपस में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर में है, जो कि बलुआ से स्टेशन जाने वाला रूट में पड़ता है। यहाँ पर भी आप ऑटो से या फिर रिक्शा से इजीली पहुंच सकते हैं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से। इसका डेट है 21 अगस्त और इसमें आपका 12,218 रुपया काउंसलिंग के दिन लगेगा, जिसमें आपका एक सेमेस्टर का फी भी इंक्लूड होगा और आपका एडमिशन फी भी होगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एमए संस्कृत का ये काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 18 अगस्त को है, 11 बजे से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, और ये आपका गांधी भवन बनकट में इसका वेन्यू रखा गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का कोर्स, ये आपका 21 अगस्त को डेट रखा गया है, और इसमें भी 9,218 रुपया आपको लगेगा, जिसमें एक सेमेस्टर का फी होगा और एडमिशन फी भी इसी में इंक्लूड होगा। ये जो है आपका महात्मा बुद्ध परिसर बनकट वाले कैंपस में इसका वेन्यू रखा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरी साइंस का, जो कि ये मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, ये भी आपका 21 अगस्त को है और ये भी आपका बनकट वाले कैंपस में है, इसमें भी 12,218 रुपया आपको देना होगा, जिसमें एक सेमेस्टर का फी है और आपका एडमिशन फी भी इंक्लूड है। नेक्स्ट कोर्स का हम बात कर लेते हैं, ये मैथमेटिक्स का कोर्स है, मास्टर कोर्स, ये आपका जिला स्कूल वाले कैंपस में इसका वेन्यू रखा गया है, डेट है 23 अगस्त और इसमें आपका 9,218 रुपया जमा करना होगा, जिसमें एक सेमेस्टर का फी होगा और आपका एडमिशन फी भी इंक्लूड होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमटेक कोर्स का, तो एमटेक का जो काउंसलिंग है वो आपका 23 अगस्त को रखा गया है, जो कि आपका जिला स्कूल वाले कैंपस में है, और इसमें आपको 15,718 रुपया जमा करना होगा, जिसमें एक सेमेस्टर का फी भी इंक्लूड होगा और आपका एडमिशन फी भी इसी में इंक्लूड होगा। अब हम इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं आपका एमटेक के बाद से हम बात करते हैं एमबीए कोर्स का, तो एमबीए का जो आपका काउंसलिंग है वो 23 अगस्त को रखा गया है, ये चनवारी वाले कैंपस में है, इसमें आपको 19,518 रुपया जमा करना होगा काउंसलिंग के दिन, जिसमें आपका एक सेमेस्टर का फी भी होगा और एडमिशन फी भी इसी में इंक्लूड होगा, एमबीए का कोर्स है ये। अब हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपसे, ये है मेरा एमकॉम प्रोग्राम का जो मास्टर कोर्स है, इसमें आपका 9,218 रुपया काउंसलिंग के दिन जमा करना होगा, डेट है आपका 21 अगस्त और ये चनवारी वाले कैंपस में आपका होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर। तो ये तो आपका था सभी कोर्सेज का डेट जो अभी तक जारी किया गया है पीजी के लिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आगे क्या क्या नोटिफिकेशन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद से इसमें कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहला जो एडमिशन होगा आपका सीबीटी पीजी के स्कोर के बेसिस पे होगा, दूसरा चीज है कि आपका जो फी पेमेंट है उसी दिन आपका फी पेमेंट करना होगा जिस दिन आपका काउंसलिंग होगा, यानी कि काउंसलिंग के दिन ही आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, उस दिन आपको फी पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट करने के लिए कॉलेज आपको चालान प्रोवाइड करता है और चालान लेकर आपको बगल में एक सेंट्रल बैंक है वहां जाकर पैसे जमा करना होता है, और सेंट्रल बैंक से आपको जो रिसिप्ट मिलता है वो रिसिप्ट लाकर आपको कॉलेज में जमा करना होता है, तो आप तब जाकर आपका एडमिशन कन्फर्म होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जितना भी काम है सब सेम डे ही किया जाता है, वो काउंसलिंग के दिन ही ये सब कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आप इसमें देख सकते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को कि 14 नंबर पॉइंट जिसमें कास्ट के रिगार्डिंग जो दिया गया है, तो सभी बच्चों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर आना है अगर वो रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ये कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर
आना है, बाकी डॉक्यूमेंट सब नॉर्मल है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेन इसमें दिक्कत आता है 17 और 18 नंबर पॉइंट पे, एंटी रैगिंग आपको फॉर्म जमा करना होता है जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे बनवाना होता है, 100 रुपया का नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगता है और ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को जमा करना होता है अलग अलग। तो ये चीज कैसे बनता है कोर्ट से, इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, काफी इजीली मैंने उसमें समझाया हुआ है। इसके अलावा जितना भी आपका लिस्ट जारी किया गया है सभी में आपको बच्चों का नाम जारी किया गया है, तो जिन जिन बच्चों का नाम है वो सभी बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जिन बच्चों का नाम नहीं है काउंसलिंग में उन बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। इसके अलावा मतलब जैसे देखिए कुछ नोटिफिकेशन ऐसा है जिसमें बच्चों का नाम दिया गया है, जहां पे कुछ बच्चों का नाम दिया गया है, कोई भी नोटिफिकेशन जिसमें बच्चों का नाम दिया गया है उसमें सिर्फ उसी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है जिसका नाम है। और बहुत सारा ऐसा भी कोर्स है जिसमें बच्चों का नाम जारी नहीं किया गया है, तो जिसमें बच्चों का नाम जारी नहीं किया गया है उसमें सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में। दो चीज है, आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जिस भी कोर्स के काउंसलिंग नोटिफिकेशन में अगर बच्चों का नाम जारी किया गया है तो उस काउंसलिंग में सभी बच्चे नहीं जाएंगे, जिस बच्चों का नाम है काउंसलिंग में मतलब लिस्ट में जिस बच्चों का नाम है सिर्फ वही बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और बहुत सारा ऐसा भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है बहुत सारा कोर्स का जिसमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ डेट वगैरह बताया गया है और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो उसमें सभी बच्चे जा सकते हैं रजे काउंसलिंग में, जितने भी बच्चे ने फॉर्म फिल किया है वो सभी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। दो चीजें आप इस चीज को आई होप कि समझ गए होंगे, जिस लिस्ट में बच्चों का नाम है उसके काउंसलिंग में सिर्फ वही बच्चे जाएंगे जिस बच्चों का नाम है, जिस लिस्ट में बच्चों का नाम नहीं है जिस कोर्स के नोटिफिकेशन में बच्चों का नाम नहीं है उस काउंसलिंग में सभी बच्चे जाएंगे जो भी बच्चे उस कोर्स में अप्लाई किए हुए थे। तो आई होप कि आप पीजी काउंसलिंग के नोटिफिकेशन के बारे में जो मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स था इसके बारे में मैंने बता दिया, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं आपके डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।